ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास की तरह ही बीएड फर्स्ट ईयर से पेपर C3 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है लर्निंग एंड टीचिंग। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से पेपर C3 को देखेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग को। और लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो भी होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, मतलब एक अध्यापक के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इसी बात पे फोकस करेंगे कि एक अध्यापक में, चाहे वो अध्यापक कोई भी हो, एक अध्यापक में, एक आदर्श अध्यापक में ऐसा कौन कौन सा क्वालिटीज होता है, ऐसा कौन कौन से गुण होते हैं, उसी गुण के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों को देखना है क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, मतलब कि अध्यापक के गुण, एक अध्यापक में, एक टीचर में ऐसा कौन कौन सा क्वालिटीज होना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज होने चाहिए टीचर में, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो जो पहला क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो वो है कि एक टीचर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, यानी कि अलर्टनेस, उसमें जागरूकता होनी चाहिए। एक शिक्षक के अंदर जागरूकता होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, कि वह हर एक कार्य के लिए अलर्ट रहे। क्योंकि जब टीचर अलर्ट रहेगा तो साथ ही साथ बच्चे भी अलर्ट होंगे। और विद्यालय में किसी भी पेरेंट के लिए बच्चों को भेजने का सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और वो सर्वांगीण विकास किसके द्वारा करना होता है? टीचर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक आदर्श शिक्षक ही अच्छे बच्चों का फौज तैयार कर सकता है। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है अलर्टनेस। जब एक शिक्षक अलर्ट रहेगा तो उसको देखते ही बच्चे में अलर्ट होंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है बिजनेस लाइक एटीट्यूड, काम करने की प्रवृत्ति। एक बिजनेसमैन को हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो दिन रात अपने बिजनेस को प्रॉफिट दिलाने के लिए काम करने की इच्छा रखता है। वो ऐसा हर छोटा से छोटा, बारीक से बारीक रास्ता खोजता है, उसको देखता है, जिससे कि प्रॉफिट गेन कर सके। तो एक शिक्षक के अंदर भी काम करने का प्रवृत्ति ठीक बिजनेसमैन रखता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग, यानी कि सहगामी शिक्षण अधिगम। सहगामी शिक्षण अधिगम से तात्पर्य है, यहाँ TLM की बात भी की जा रही है, कि TLM के लिए बच्चों को डेवलप करने का कार्य कौन करता है? टीचर करता है। ताकि बच्चे जो भी सहगामी शिक्षण अधिगम है, जो भी हम लोग सीख रहे हैं शिक्षण के द्वारा, वो सहयोगात्मक भावना कौन डेवलप करेगा? टीचर डेवलप करेगा। उसके बाद जो पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य का स्पष्टीकरण। एक टीचर के अंदर हमेशा यह गुण होना चाहिए कि वह उद्देश्य का निर्धारण पहले ही कर सके, गोल सेट कर ले कि हमें ये करना है या बच्चों से ये काम करवाना है। तो कहीं ना कहीं एक आदर्श शिक्षक के अंदर ये पर्पस होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है पढ़ाने का। उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की स्पष्टता। विषय वस्तु से तात्पर्य है, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी विषय वस्तु शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहला काम तो उसमें यह होना चाहिए कि उस विषय वस्तु पे शिक्षक का फुल्ली कमांड हो। अगर एक शिक्षक का कमांड फुल होगा तभी वो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाएगा और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्रदान कर पाएगा। उसके बाद है कि एक टीचर का यह भी क्वालिटीज होना चाहिए कि उसका कैरेक्टर अच्छा हो। चरित्र के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक बच्चों के सामने एक आदर्श रूप में होते हैं। और अगर शिक्षक चरित्रवान होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी चरित्रवान होंगे। उसके बाद है कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट,
एक टीचर का यह भी क्वालिटी होना चाहिए कि वह अपने क्लासरूम में, वह अपने विद्यालय में हमेशा एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करे। लोकतांत्रिक वातावरण से तात्पर्य है कि जहां जिस क्लास में अगर किसी भी धर्म जाति समूह के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो सारे बच्चों को समान रूप में वह महत्व दे, सारे बच्चों को समान रूप में तवज्जो दे। तो एक शिक्षक का यह क्वालिटी होना चाहिए कि वह एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट का क्रिएशन करे। उसके बाद है डिस्कवरी, यानी कि खोज करना। चूंकि एक शिक्षक को ऐसा माना गया है कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो खुद पढ़ने के लिए तत्पर होता है, खुद खोज करने के लिए तत्पर होता है, तो कहीं ना कहीं खोज करने की बात की गई है, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। तो एक अच्छे टीचर में, एक अच्छे अध्यापक के अंदर ये क्वालिटीज का होना एकदम जरूरी है कि वह खुद से कुछ नया खोज करने का प्रवृत्ति रखे। उसके बाद है इंथुसियाज्म, यानी कि उत्साह। उत्साह से तात्पर्य है कि क्लासरूम में जब एक टीचर उत्साह पूर्वक अपने आप को सब सारे स्टूडेंट सामने खड़ा रखेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उत्साहित होकर पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से भी एंथुसियाज्म का होना टीचर के अंदर बहुत जरूरी है। उसके बाद एक शिक्षक के अंदर ये गुण भी होने चाहिए कि वह गंभीर रहे। जहां गंभीरता की बात हो वहां टीचर गंभीर रहे, जहां उत्साह की बात हो वहां टीचर उत्साहित रहे। तो गंभीरता का भी होना एक टीचर के अंदर बहुत जरूरी है। उसके बाद जो पॉइंट है, फेथ ऑफ द टीचर एंड फेथ इन द टीचर, ये दोनों दो बातें हैं, फेथ ऑफ द टीचर एंड फेथ इन द टीचर। यहाँ क्या क्या निकल के आ रहा सामने, ऑफ द टीचर और इन द टीचर, यानी कि अध्यापक का अपने आप में विश्वास और छात्रों का विश्वास प्राप्त करना। चूंकि अध्यापक का अपने आप में विश्वास से तात्पर्य है कि जब एक टीचर, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल अपना ले लें, अगर हम ही कॉन्फिडेंस में आके नहीं पढ़ाएं, अगर हम ही कॉन्फिडेंस को अपने खो दें, तो क्या बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं टीचर का अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिस क्लास में, जिस क्लास को ले रहे हैं, पूरे 100% कॉन्फिडेंस, 100% कंसंट्रेशन के साथ उस क्लास को ले। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस से क्लास को लेंगे तभी छात्रों का भी विश्वास टीचर के ऊपर आएगा। उसके बाद है फीडबैक। एक टीचर का ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि वो समय समय पे बच्चों से फीडबैक ले कि क्या बच्चों को कहीं परेशानी हो रही है, कि क्या बच्चे किसी प्रश्न को लेके कंफ्यूजन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फीडबैक जब टीचर लेंगे तभी सारा बात सामने आएगा। उसके बाद है कि गोल सेटिंग। एक टीचर का ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि वह पढ़ाने के दौरान विद्यालय में, अपने क्लासरूम में बच्चों के लिए एक गोल सेट कर दे, एक उद्देश्य निर्धारण कर दे कि हमें इतने समय में इतने सिलेबस को या इतने कार्य को पूरा करना है। उसके बाद है ह्यूमन टच, यानी कि मानवीय दृष्टिकोण। एक शिक्षक के अंदर मानवीय दृष्टिकोण का भी होना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ बच्चों का, तो अगर मानवीय दृष्टिकोण की बात करें, तो उसमें कुछ बच्चों का तबीयत खराब भी हो जाता है क्लासरूम में, तो वहां पे शिक्षक क्या करता है, शिक्षक को ये बोलना नहीं चाहिए कि नहीं तुम क्लास में ही बैठो, अगर तुम्हारा तबीयत भी खराब है तुम क्लास में बैठो। तो वहां पे शिक्षक को मानवीय दृष्टिकोण को लाना चाहिए और वो बच्चा जो कष्ट में है उसे फर्स्ट एड दिलवाना चाहिए, तो वहां पे मानवीय दृष्टिकोण का बात पूरा हो पाएगा। उसके बाद है हार्ड वर्क, यानी कि परिश्रम। एक शिक्षक को हमेशा परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रमी इस सेंस में, हार्ड वर्कर इस सेंस में, ताकि वो बच्चों को जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, जिस रास्ते वो परिश्रम करके अपने स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचा सके और उस गोल को पूरा करने में टीचर अपना 100% महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने वो है कि इम्पार्शियलिटी, मतलब निष्पक्षता। निष्पक्षता से तात्पर्य है कि एक शिक्षक के अंदर ये क्वालिटीज होना चाहिए कि वो बच्चों में निष्पक्ष, या हम कह सकते हैं कि बच्चों में निष्पक्षता का भाव रखे, यानी कि सारे बच्चे समानता, सारे बच्चे शिक्षक के लिए समान है, यहाँ पे समानता का समावेश होना चाहिए एक टीचर के अंदर। क्योंकि अगर एक टीचर किसी विशेष बच्चे को ज्यादा महत्व देता है तो कहीं ना कहीं इम्पार्शियलिटी पे इफेक्ट आता है।
वो इम्पार्शियलिटी की बात नहीं होती है, वो निष्पक्षता की बात नहीं होती है। उसके बाद है इंस्पिरेशनल, यानी कि एक टीचर का ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो क्लासरूम में जो भी क्लास ले, जो भी शिक्षण कार्य करे, वो प्रेरणादायक हो। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक टीचर इंस्पिरेशन का काम करता है। उसके बाद है इंटरेस्ट, यानी कि रुचि उत्पन्न करना। एक टीचर का ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो बच्चों में पढ़ाई के लिए या शिक्षण कार्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए या विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर किसी भी प्रकार के कार्य के लिए रुचि उत्पन्न करने का काम करे। उसके बाद है जस्टिस, न्याय। एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि जस्टिस से क्या तात्पर्य। जस्टिस से तात्पर्य है कि अगर दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं क्लासरूम में, तो एक टीचर का ये कर्तव्य बनता है और एक टीचर का ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो जस्टिस करे दोनों के साथ में। ऐसा नहीं है कि जिसमें गलती हो उसको माफ कर दे और जो गलती नहीं किया है उसको सजा दिया जाए। तो न्यायपूर्ण विचारधारा का होना चाहिए टीचर। उसके बाद है नॉलेज, ज्ञान। क्योंकि टीचर से ही बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो एक टीचर के अंदर ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। और ठोस ज्ञान जब तक नहीं होगा टीचर के पास, तब तक बच्चों को वो ज्ञान अच्छे प्रकार से नहीं दे सकता है। उसके बाद है लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व की भावना। एक टीचर चूंकि विद्यालय में बच्चों का नेतृत्व करता है और विद्यालय समुदाय का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं एक टीचर में नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। उसके बाद है लिंकिंग, यानी कि संबंध स्थापित करना। किस चीज में? पूर्व और अभी के और भविष्य में जो भी पाठ्यचर्या का रिलेशन है, उस पाठ्यचर्या में एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? टीचर करता है। उसके बाद है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। हालांकि मोटिवेशन पे एक क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स में कि मोटिवेशन है क्या, अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या है, अभिप्रेरणा क्या है या अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, उस पर हम लोग एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। टीचर का यह काम है कि बच्चों को हमेशा प्रेरित करे अच्छे काम करने के लिए, बच्चों को हमेशा प्रेरित करे शिक्षण कार्य पूरा करने के लिए, बच्चों को हमेशा प्रेरित करे अपना जो भी सिलेबस है उसको पूरा करने के लिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए। तो ये क्वालिटी होना चाहिए टीचर में कि वो बच्चों को समय समय पे अभिप्रेरित कर सके। उसके बाद नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि आवश्यकताएं। बच्चों को किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं क्लासरूम में या स्कूल में, ये कौन देखेगा? टीचर को ही देखना होता है। ये टीचर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो नीड्स को समझे कि बच्चों को किस चीज की नीड्स है, बेसिक नीड्स क्या है उसको स्कूल में या क्लासरूम में। तो उसको जब तक डायग्नोस नहीं किया जाएगा, जब तक उस नीड्स को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक हम बच्चे को नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। और वो नीड्स कौन पहचानेगा? टीचर ही पहचान सकता है। उसके बाद है कि एक टीचर को हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी कि नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। नैरो माइंडेड से तात्पर्य है संकुचित मानसिकता का विचारधारा। तो बच्चे को जब तक एक टीचर ओपन माइंडेड नहीं होगा, बच्चे को ओपन माइंडेड बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके बाद है प्रशंसा करना। एक टीचर का ये क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चे जब भी कुछ अच्छा करें तो टीचर उनकी प्रशंसा करे। क्योंकि जब बच्चे टीचर से प्रशंसा प्राप्त करते हैं तो मानसिकता उनकी ऐसी हो जाती है कि इससे हम और अच्छा काम करेंगे तो सर हमारे हमें क्या करेंगे? प्रशंसा देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। एक टीचर को हमेशा अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए और अगर बच्चे उसका आंसर जानने के लिए इच्छुक है या किसी भी चीज के आंसर जानने के लिए इच्छुक है, तो एक टीचर का यह क्वालिटी होना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से आंसर दे सके। उसके बाद रिव्यू, यानी कि पुनरावलोकन। पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि जो भी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो भी सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, उसको फिर से रिव्यू करना, फिर से उसको थोड़ा तेज में पढ़ना या थोड़ा फास्ट चलना और देखना कि क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या हम लोग सीखे हैं, क्या हम लोग देखे हैं। उसके बाद रिलेशनशिप, क्योंकि
बच्चे विद्यालय में आके ही समाज के सारे बच्चों के साथ अपने आप को समायोजित करते हैं और रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, तो टीचर जब छात्र एक शिक्षक और छात्र के बीच में जब अच्छा रिलेशन होगा तो टीचर भी सिखाएगा बच्चों को कि बच्चे अपने सहपाठियों के साथ अपने मित्रों के साथ किस प्रकार से रिलेशन को मेंटेन करें। उसके बाद रिसोर्सफुलनेस यानी कि साधन संपन्नता, बच्चों को किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन साधनों की आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कौन करता है, तो टीचर करता है। तो रिसोर्स का फुलनेस कौन करेगा, टीचर करेगा। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण, एक शिक्षक को हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार से आते हैं, विभिन्न समुदाय से आते हैं, विभिन्न परिवार से आते हैं और हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा भी हो जो आपको बहुत ही एक टीचर को केयर कर, और कोई बच्चा ऐसा भी हो जो कुछ बोलेगा ऐसा कि टीचर तुरंत गुस्से में आ जाएगा, तुरंत अपने क्रोध को जाहिर करने लगेगा, तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल टीचर में जरूरी इसलिए भी है कि टीचर तुरंत आवेश में नहीं आए, क्योंकि टीचर अगर आवेश में आके बच्चों के साथ कुछ गलत कर दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टीचर को चाहिए कि अगर बच्चे कुछ बोल भी दे रहे हैं तो अपने क्रोध को टीचर शांत कर ले और उस बच्चे के सवाल को उसी के हिसाब से अपने बातों से समझाए ताकि बच्चा समझ सके। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मस्वाभिमान। सेल्फ रिस्पेक्ट से तात्पर्य है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर आत्मस्वाभिमान का समावेश होता है। हम कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में होता है कि हम कोई भी काम करेंगे वैसा कि जहां हम अपने आत्मस्वाभिमान को बेच के काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे प्राइम है। तो जब हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे भी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद है विजुअल एड्स यानी कि सहायक सामग्री। टीचर में एक क्वालिटीज होना चाहिए कि जब टीचर पाठ को पढ़ाता है तो वहां पे किस सहायक सामग्री का आवश्यकता है उसको समय पे उस सहायक सामग्री का यूज कर सके और बच्चों को सिखा सके। अगर एग्जांपल में हम देखें कि कोई टीचर ऐसा है कि जहां उसे जैसे सहायक सामग्री कौन कौन सा होता है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री, तो अगर एग्जाम्पल देना है हमें श्रव्य सामग्री का और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं दृश्य सामग्री का, तो क्या यह क्वालिटीज होना चाहिए टीचर में, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल देना है तो हमें श्रव्य सामग्री का ही एग्जाम्पल देना होगा और दृश्य सामग्री का एग्जाम्पल देना है तो हमें दृश्य सामग्री का ही एग्जाम्पल देना होगा और श्रव्य दृश्य दोनों ही सामग्री का कंबाइंड एग्जाम्पल देना है तो हमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही सामग्री का कंबाइंड एग्जाम्पल देना होगा। क्योंकि जब एग्जाम्पल एक टीचर देगा सहायक सामग्री का एकदम समय के रूप से तो कहीं ना कहीं बच्चा भी सीखेगा कि किस समय में हमें किस चीज का यूज करना है। उसके बाद लास्ट वॉइस मैंडुलेटेड यानी कि उचित स्वर। एक टीचर में ये क्वालिटीज एकदम होना ही चाहिए कि एक टीचर का जो वॉइस वोकल कैपेसिटी है वो एकदम फ्रेश हो। वॉइस मैंडुलेटेड जो उचित स्वर की बात की जा रही है, स्वर ऐसा होना चाहिए कि क्लासरूम के हिसाब से उसका आवाज, उस टीचर का आवाज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हॉल बहुत सा बड़ा है और टीचर धीमा बोल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम छोटा है और टीचर बहुत ही जोर से बोल रहा है कि बच्चे के कान तक जाने में बच्चे उसे इरिटेट हो, तो उस बात को ध्यान में रख के ही टीचर को अपना वॉइस देना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग इस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए कि यही सब कुछ मुख्य क्वालिटीज हैं जो टीचर के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए मुख्य रूप से, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और मैं आशा भी करता हूं कि जो भी पॉइंट हम लोग देखे हैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर इनकेस अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर इस पॉइंट में हमें यहां पर दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक,
अब नेक्स्ट क्लास जो भी हो हम लोगों का, उसमें हम देखेंगे कि बाल केंद्रित अधिगम और सब्जेक्ट यानी कि विषय केंद्रित अधिगम किसे कहते हैं और ये क्या है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी को देखेंगे, बाल केंद्रित अधिगम, शिक्षक केंद्रित अधिगम और विषय केंद्रित अधिगम, क्योंकि अधिगम सीखने से ताल्लुक रखता है। तो बाल केंद्रित अधिगम में क्या होता है, शिक्षक केंद्रित अधिगम में क्या होता है और विषय केंद्रित अधिगम में क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।